महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा, श्री नागर सिंह चौहान, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, श्री राकेश शुक्ला, श्री चैतन्य कश्यप भैया जी, श्री इंदर सिंह परमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संपूर्ण प्रभुता अखंडता रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रद्युम्न सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टिया प्रकट नहीं करूँगा। चार विधायकों को इस वक्त आप मंत्री पद की शपथ लेते हुए देख रहे हैं। नारायण सिंह पवार मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए, ब्यावर सीट से विधायक हैं, ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं और ओबीसी समाज जैसा कि हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व ओबीसी समाज से आने वाले चेहरों को मिला है। नागर सिंह चौहान मोहन सरकार में अभी मंत्री बनाए गए हैं। अलीराजपुर सीट से चौथी बार विधायक चुने गए हैं। आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं नागर सिंह चौहान। 2003 में पहली बार विधायक बने, अब कैबिनेट में जगह जिम्मेदारी। राकेश शुक्ला महगांव सीट से विधायक चुने गए और तीसरी बार के विधायक हैं। राकेश शुक्ला स्वर्ण समाज से आते हैं। 1998 में पहली बार विधायक बने। 2013 और 2018 में चुनाव हारे जरूर, ब्राह्मण जाति से आते हैं, इन्हें भी कैबिनेट में जगह दी गई है। नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर दक्षिण से चुनाव जीते, ओबीसी के कुशवाहा समुदाय से आते हैं। शिवराज सरकार में भी मंत्री रही हैं, एक बार फिर से इन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव हार गए थे, इस बार चुनाव जीते हैं और जगह कैबिनेट में दी गई है। मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए नारायण सिंह पवार ब्यावर सीट से विधायक, जिनके बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी। कुल 28 मंत्री जिनमें से 6 स्वर्ण समुदाय से आने वाले, जातीय समीकरण बिठाने की पूरी कोशिश इस कैबिनेट में दिखाई दे रही है। जाति के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण और एक तरीके की मैसेजिंग इस मंत्रिमंडल के जरिए पूरे मध्य प्रदेश में देने की कि चाहे वो हैवीवेट नेता हो या फिर पहली बार के विधायक ही क्यों ना हो, चाहे लॉबी वाले नेता हो या फिर मैं, बिना किसी गुट के लगातार अपने काम को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने वाले नेता ही क्यों ना हो, किसी को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को एलिवेट भी किया जा सकता है। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं संपतिया हुई के ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए
ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगी। संपत्ति हुई कि इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं। मंडला विधानसभा सीट से विधायक चुनी है संपतिया उइके। साल 2017 में राज्यसभा सांसद बनी। मोहन सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है संपतिया उइके को।